वेलकम स्टूडेंट्स, आज इकोलॉजी के पेपर फर्स्ट की फर्स्ट यूनिट के अंतिम चैप्टर जैविक कारक के बारे में अध्ययन करेंगे। जैविक कारक का, जिसे इंग्लिश में बायोटिक फैक्टर्स कहा जाता है या बायोटिक इंटरेक्शन कहा जाता है, इसका अर्थ यह है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त प्रकार के जीव, जिसमें पादप और जंतु, सूक्ष्म जीव सभी सम्मिलित हैं, ये आपस में अंतर क्रियाएँ करते हैं और उनकी सजीवों के मध्य पाए जाने वाली अंतर क्रियाओं का सजीवों के बीच में और उनका पर्यावरण पर पड़ने वाला प्रभाव जैविक कारक के रूप में या जैविक अंतर क्रियाओं के रूप में जाना जाता है। अब जो ये अंतर क्रियाएँ जो होती है वो क्यों होती हैं, क्योंकि अपन जानते हैं कि कोई भी जीव, चाहे पादप हो या जंतु हो, वो स्वतंत्र नहीं रह सकता। उनका ज़्यादातर वो समष्टि के रूप में, समूह के रूप में रहना पसंद करते हैं और ये एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। ये उनकी निर्भरता जो है वो पोषण के लिए, आवास के लिए, जनन के लिए, बीज या फलों का अंकुर प्रकीर्णन के लिए अनेकों प्रकार से एक दूसरे पे निर्भर रहते हैं। तो ये सारी जो इंट्रैक्शन जो हैं, इनको अपन जैविक कारक के रूप में स्टडी करेंगे। ये जो इंट्रैक्शन है उसमें एक क्रिया होती है, एक प्रतिक्रिया होती है और तीसरी जो है वो एक्शन, रिएक्शन और उसका इफेक्ट के रूप में, ये इंट्रैक्शन के रूप में उसे देखा जाता है। सबसे पहला जो एक्शन जो होता है, क्रिया, इसका मतलब जो हैबिटेट होता है पर्यावरण के अंदर, वो भौतिक स्थान जहाँ कोई जीव पाया जाता है, उनके चारों तरफ का जो भौतिक स्थान है वो आवास कहलाता है। तो हैबिटेट का उस जीवों के प्रति या जो समष्टि है, पॉपुलेशन है, उसके उस पर होने वाला प्रभाव है वो क्रिया कहलाता है। और इसके विपरीत अगर समष्टि का पर्यावरण पे जो इफेक्ट हो रहा है वो प्रतिक्रिया कहलाती है। उसको इस प्रकार से समझिए कि मान लो कोई स्पेस है, खेत है और उसके अंदर उस खेत के अंदर कोई भी फसल खड़ी है, तो उस खेत की जो क्या कंडीशन है, फैक्टर्स कौन कौन से हैं, सॉइल फैक्टर या जो भी है, उनका उस फसल पे क्या प्रभाव पड़ रहा है वो क्रिया कहलाएगी। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे फसल बड़ी होती जाएगी, वृद्धि करेगी, तो उसका भी उसके हैबिटेट को चेंज किया जाएगा, प्रभाव पड़ेगा। जैसे फूड, खाद का मैनिपुलेशन हो रहा है और भी मॉइस्चर कंटेंट है जो भी, तो ये उसकी प्रतिक्रिया कहलाती है। और जो हैबिटेट और पर्यावरण और उन जीवों के मध्य जो भी प्रभाव, जो इंट्रैक्शन होता है, क्रिया होती है, वो अंतर क्रिया कहलाती है जीवों के मध्य। तो ये अपन स्टडी करेंगे। इसमें सबसे पहले जो है, जो क्रिया होती है उनको बड़े रूप में दो भागों में डिवाइड करते हैं कि जो पॉपुलेशन है या स्पीसीज है वो किस प्रकार की है। एक ही प्रकार की प्रजातियों के मध्य जो होने वाली अंतर क्रिया है, इंट्रा स्पेसिफिक इंट्रैक्शन कहलाता है या अंतरा प्रजातीय अंतर क्रिया कहलाती है। जबकि भिन्न भिन्न जो समष्टि है, प्रजातियां हैं, उनके मध्य की अंतर क्रियाएँ इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शन कहलाती है। सबसे पहले अपन उसकी कुछ हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले डी बेरी, 1879 में डी बेरी ने सिम्बायोसिस शब्द का गठन किया, सिम्बायोसिस शब्द को प्रयोग में लाया। और सिम्बायोसिस, जिसे हिंदी में सहजीविता कहते हैं, उन्होंने ये बताया कि जीवों के मध्य जितनी भी प्रकार के जो इंट्रैक्शन हो रहे हैं, ऑल काइंड्स ऑफ पॉसिबल जो इंट्रैक्शन है, उनको सहजीविता के नाम से जाना जाता है। ये सिम्बायोसिस शब्द उन्होंने, डी बेरी ने दिया था। परंतु ओडम ने जितने भी प्रकार के इंट्रैक्शन हैं उनको दो भागों में डिवाइड किया सिम्बायोसिस को, एक पॉजिटिव इंट्रैक्शंस और एक नेगेटिव इंट्रैक्शंस। और उसके बाद में क्लार्क ने वो पॉजिटिव इंट्रैक्शंस, वो इंट्रैक्शन जिसमें दोनों प्रजातियों को केवल फायदा ही होता है, लाभ ही होता है, उनको ही सिम्बायोसिस के अंतर्गत रखा। तो ये अलग अलग उनकी डेफिनेशन के रूप में अपन पढ़ते हैं। अब बर्कहोल्डर 1952 ने सजीवों के मध्य जितने भी प्रकार के पॉसिबल इंट्रैक्शन पाए जाते हैं उनको 9 टाइप्स में डिवाइड किया है। और 9 प्रकार के जो इंट्रैक्शन है इसको आप इस टेबल के द्वारा समझ सकते हैं। यहाँ पे
आपको सीरियल नंबर लिखना है, यहाँ पे प्रजाति या समष्टि फर्स्ट है, पॉपुलेशन फर्स्ट, ये पॉपुलेशन सेकेंड है, और उसमें जो इंटरेक्शन हो रहा है उसका प्रकार लिखना है, और उसका इधर आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो। अब जैसे कि सबसे पहले अपन 0-0 से स्टार्ट करते हैं, एक प्रजाति दो प्रजाति जब आपस में इंटरेक्शन कर रही है। अब देखिए यहाँ पे कोई भी दो प्रजातियाँ जो है या दो पॉपुलेशन जो है समष्टियाँ, ये पादप पादप हो सकती हैं, जंतु जंतु हो सकती हैं, पादप जंतु हो सकती है, जंतु पादप हो सकती हैं, या पादप जंतु सूक्ष्म जीव हो सकते हैं। तो इस प्रकार से जहाँ पे जीरो इंट्रेक्शन है, जीरो इंट्रेक्शन जहाँ है, जीरो का मतलब न्यूट्रल इफेक्ट है, कोई इफेक्ट नहीं है, नो लॉस नो बेनिफिट, तो उसको अपन जीरो लिखेंगे। अब जहाँ पे दोनों जगह जीरो जीरो आ रहा है, यानी ये दोनों प्रजातियाँ किसी कारणवश साथ में रह रही है, लेकिन दोनों को न तो फायदा हो रहा है न घाटा हो रहा है, हानि हो रही है, तो इसको अपन जीरो जीरो लिखेंगे। तो ये न्यूट्रलिज्म कहलाता तटस्थता। सेकेंड इंट्रेक्शन में माइनस माइनस की अपन जब बात करते हैं, जहाँ माइनस आ रहा है यानी नेगेटिव इंट्रेक्शन हो रहा है, इसमें प्रजाति को हानि हो रही है, लेकिन अगर दोनों प्रजातियों को हानि हो रही है तो दोनों जगह माइनस माइनस आएगा, और यहाँ पे दोनों जो माइनस है ये दो बार आ रहा है, यहाँ पे माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस माइनस, इसका मतलब इनके बीच में दोनों को हानियां तब होगी जब उनके मध्य क्या होगा, प्रतिस्पर्धा होगी, कंपटीशन होगा। और ये जो कंपटीशन है वो दो प्रकार का हो सकता है, पहला कंपटीशन डायरेक्ट इंट्रैक्शन टाइप होगा, डायरेक्ट इंट्रैक्शन टाइप, यानी कि माना कि किसी खेत में खरपतवार है और वो खरपतवार की वृद्धि हो रही है, और उसमें मान लो दो प्रकार की खरपतवार है और वो आपस में ग्रो कर रही है या दूसरी फसल के साथ, तो इनके मध्य आपस में इंट्रैक्शन है वो शुरू हो जाता है, स्पेस जब कम होगा तो आपस में इंट्रैक्शन है वो शुरू हो जाता है, इस प्रकार से ये डायरेक्ट इंटरफेरेंस टाइप कहलाएगा। लेकिन दूसरे में अगर मान लो जब तक संसाधन पर्याप्त उपलब्ध हैं तब उनके मध्य इंट्रैक्शन नेगेटिव नहीं होगा, लेकिन जैसे ही रिसोर्सेज का शॉर्टेज होगा तो उनके मध्य इंट्रैक्शन नेगेटिव इंट्रैक्शन स्टार्ट होगा। तो ये संसाधन उपयोग रिसोर्स यूज टाइप का इंट्रैक्शन है वो कहलाता है, जो कि वीड्स के मध्य या कोई भी क्रॉप के मध्य इस प्रकार से देखा जा सकता है। अब अपन बात करते हैं जिसमें एक प्रजाति जो है जो कि अनअफेक्टेड है, जिसमें जिसको न तो लाभ हो रहा है न हानि हो रही है, लेकिन दूसरी प्रजाति है उसको या तो लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। तो पहला माइनस और जीरो, माइनस में एक प्रजाति को हानि हो रही है लेकिन दूसरा अप्रभावित हो रहा है, ऐसे रेयर उदाहरण ही अपन को मिलते हैं, उसको अभोजिता यानी अमेंसेलिज्म कहलाता है। अमेंसेलिज्म में दो प्रजाति में से एक प्रजाति प्रभावित नहीं होती है लेकिन दूसरी प्रजाति को हानि होती है, और सहभोजिता दूसरा है जिसमें एक प्रजाति अप्रभावित है जबकि दूसरे को लाभ हो रहा है, इसे कहेंगे सहभोजिता अमेंसेलिज्म। यहाँ पे आपको यहाँ उसके उदाहरण जो है वो अपन आगे देखेंगे, सहभोजिता अमेंसेलिज्म, जिसमें दो उदाहरण को आप याद रख सकते हो, एक तो लाइना जो होती है, लाइना जिसे कटलताएं कहते हैं, कटलताएं, और दूसरा एपिफाइट्स, एपिफाइट्स जिसे अधिपादप कहते हैं, अधिपादप। तो ये सहभोजिता के बहुत ही अच्छे उदाहरण है, ये आप आसानी से याद रख सकते हो, चित्र के द्वारा उसको समझा सकते हो। तो इसमें जो भी लाइनाएं जो होती हैं, जो जिस प्लांट पे वो ट्विस्ट करती है, मोस्टली जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है या डेजर्ट के अंदर जो भी लाइनाएं हैं, जिसके अंतर्गत अनेकों उदाहरण अपन आगे लेंगे, उसके अंदर ये आपको इंट्रेक्शन देख सकते हो। एपिपाइड जो होते हैं, अधिपादप जो होते हैं, चाहे वो एक्वाटिक कंडीशन में हो, टेरेस्ट्रियल कंडीशन में हो, तो अधिपादप जो होता है वो दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो कर रहा है, उससे किसी प्रकार का न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, केवल वो बेस के लिए ग्रो कर रहा है, और जो एपिफाइट होता है उसको बेनिफिट होता है, जबकि जो दूसरा प्लांट जिस पे ग्रो कर रहा है वो अनअफेक्टेड रहता है। अब अपन बात करेंगे जिसमें एक प्रजाति फायदे में रहती है, दूसरे को लॉस हो रहा है। यहाँ भी दो प्रकार के इंट्रैक्शन है, प्लस माइनस, एक स्पीसीज फर्स्ट गेट बेनिफिट वेदर सेकेंड लॉस, उसको लॉस हो रहा है, परजीविता इसमें पैदा होगा, परजीविता पैरासिटिज्म। अब देखिए परजीविता यानी पैरासिटिज्म, जितने भी परजीवी पादप होते हैं, ये जिस पादपों पे या जंतुओं पे ग्रो कर रहे हैं दूसरे जीव, या
जो प्रोटोजोअन या जो परजीवी जंतु होते हैं वो बड़े एनिमल्स के ऊपर जहाँ ग्रो करते हैं उस पर पाए जाते हैं, उसमें परजीवी जो होता है पैरासाइट जो होता है पादप वो जंतु सूक्ष्म जीव जो भी होता है वो आकार में छोटा होता है परजीवी, और ये जिस पे ग्रो कर रहे हैं वो उसका होस्ट कहलाता है, होस्ट साइज में बड़ा होता है। दूसरा तो यहाँ परजीवी जो होता है वो परजीवी उस होस्ट के ऊपर ग्रो भी कर रहा है, उससे टिश्यू से न्यूट्रिशन प्राप्त कर रहा है, साथ ही उस पर टॉक्सिक इफेक्ट भी कॉज कर रहा है जिसके कारण कभी कभार परजीवी की मृत्यु हो जाती है। जितनी भी फंगल डिजीजेज अपन पढ़ रहे हैं अलग अलग प्रकार के, और जो भी परजीवी पादप भी हैं जैसे अमर बेल है, कसकुटा है, बहुत सारे उसके उदाहरण हैं जो उस पर देखे जा सकते हैं। तो यहाँ पे परजीवी का साइज छोटा है और होस्ट जो है परपोषी का साइज बड़ा है। दूसरे में प्रीडेशन जिसे या प्रीडेटिज्म और बक्सिता, तो इसमें एक प्रीडेटर होता है, प्रीडेटर पर बक्सी जिसे कहते हैं, वो पक्षी हो सकता है या कोई वाइल्ड एनिमल हो सकता है या इवन पादप भी हो सकता है, जैसे कीट पक्षी जो भी पादप होते हैं वो इसी श्रेणी में आते हैं। और दूसरा जो होगा वो प्रे होगा, प्रे जो होगा जो भक्षक है प्रे है वो प्रीडेटर से साइज में क्या होगा छोटा होगा और उसको खाया जाएगा, प्रीडेटर के द्वारा उसको मारा जाएगा या खाया जाएगा। तो यहाँ पे प्रीडेटर का साइज बड़ा है और प्रे का साइज छोटा है, तो प्रीडेटर को प्लस मिलेगा और प्रे माइनस, तो ये दोनों प्रकार के याद रखने। इसके बाद में फिर सबसे इम्पोर्टेंट जब अपन रियल सिंबायोसिस की अगर बात करते हैं जिसमें दोनों जीव एक दूसरे से फायदा प्राप्त करते हैं, जब वो साथ में रहते हैं और दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट मिल रहा है, तो ये भी दो प्रकार की कंडीशन यहाँ भी बनती है, प्लस प्लस दो बार आप लिखोगे। पहला जो है वो प्राक सहयोगी योगिता, प्राक सहयोगिता जैसे इंग्लिश में प्रोटो कॉपरेशन कहलाता है, प्रोटो कॉपरेशन। और दूसरा जो है जैसे सहोपकारिता, सहोपकारिता म्यूचुअलिज्म जैसे कहते हैं। ये सिंबायोसिस रियल सिंबायोसिस के एग्जांपल है जिसमें दोनों स्पीशीज एक दूसरे से बेनिफिट प्राप्त करती हैं, लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है, फर्क इतना है कि प्रोटो कॉपरेशन में दोनों स्पीशीज का हमेशा के लिए साथ में रहना अनिवार्य नहीं है, अपनी इच्छा अनुसार साथ रह सकती है और वो अलग भी हो सकती है, यानी कि उनके मध्य का जो रिलेशनशिप है वो क्या है, फैकल्टेटिव है। जबकि म्यूचुअलिज्म जो होता है इसके अंतर्गत जो रिलेशनशिप है वो ऑब्लिगेटरी है, अविकल्पी है, उनको साथ में रहना जरूरी है, अगर दोनों जीवों को अगर सेपरेट किया जाए तो दोनों की मृत्यु हो जाती है। अब प्रोटो कॉपरेशन का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण जो है वो अपन सी एनिमोन जो होता है, सी एनिमोन जिसे एडम्सिया कहते हैं, और दूसरा जो हर्मिट क्रैब होता है यूपेगुरस, इनके मध्य जो ये समुद्र में जीव रहते हैं और उनके मध्य का इंट्रैक्शन आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो हर्मिट क्रैब जो होता है वो हर्मिट क्रैब मूव करता है और उसके ऊपर सी एनिमोन उसके ऊपर आके बैठ जाता है, शरण लेता है, और सी एनिमोन है उनके टेंटेकल्स जो होते हैं जिससे हर्मिट क्रैब के जो शत्रु होते हैं उससे वो सी एनिमोन है वो रक्षा कर रहा है, साथ ही सी एनिमोन को आवास मिल जाता है और वो उस हर्मिट क्रैब सी एनिमोन को जो अपने इच्छित स्थान है वहाँ पे फूड के लिए वहाँ पे लेके जाता है जिससे उसको भोजन मिल रहा है। तो यहाँ पे एक को भोजन मिल रहा है, दूसरे को शत्रुओं से रक्षा हो रही है, ये दोनों एक दूसरे को बेनिफिट पहुँचाते हैं एडम्सिया और यूपेगुरस, परंतु उनका साथ में रहना अनिवार्य नहीं है, वो अलग भी हो सकते हैं। इसके बाद में सहोपकारिता म्यूचुअलिज्म की जब अपन बात करते हैं, ये प्रकृति में बहुत ही सुंदर उदाहरण है और उनके चित्रों सहित उसको एक्सप्लेन किया जाता है, और उसमें अगर अपन तीन सबसे बेस्ट एग्जांपल लेते हैं म्यूचुअलिज्म की, इसमें सबसे पहला लाइकेंस आता है, शेके जो होती है लाइकेंस जिसमें एल्गी और फंजाई का सिम्बायोसिस पाया जाता है, और एल्गी का जो पार्ट होता है पार्टनर वो फाइकोबायोंट कहलाता है, जबकि फंजाई का जो पार्टनर है वो माइकोबायोंट कहलाता है। माइकोबायोंट और फाइकोबायोंट ये आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो, जो फाइकोबायोंट है उसका एक ही कार्य है फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड का सिंथेसिस करना, और माइकोबायोंट जो होता है वो न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन के साथ साथ न्यूट्रिएंट और वाटर का एब्जॉर्प्शन के साथ साथ रिप्रोडक्शन का काम और एडवर्स कंडीशन में थैलस को प्रोटेक्शन का कार्य करते हैं। तो ये लाइकेंस जो भी लाइकेंस है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में
जो लाइकेंस पाई जाती हैं आपके शुपील प्रकार की, जैसे उसनिया वगैरह, इसी प्रकार से जो टुंड्रा रीजन है, पोलर रीजन में टुंड्रा प्रदेश है, वहाँ पे जितनी भी प्रकार की लाइकेंस होती हैं, क्लेडोनिया रेंजिफेरिनिया जिसे अपन रेंडियर मॉस के नाम से जानते हैं, और दूसरी जितने भी प्रकार के क्रस्टोज है, फोलियोज लाइकेन है, पारमेलिया है, तो ये लाइकेन का बहुत ही अच्छा उदाहरण है जो आप फर्स्ट ईयर में डिटेल पढ़ चुके हैं। सेकेंड एग्जाम्पल भी आपको फर्स्ट ईयर में स्टडी किया, जिसे अपन माइकोराइजल एसोसिएशन कहते हैं, कवक मूल्य संबंध जो होती है, यानी कि कवक मूल जो होता है, कवक का मूल के साथ में संबंध, मूल जो है वो मोस्टली उच्च वर्गीय पादपों में ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के अंतर्गत, परंतु ब्रायोटेरिडोफाइटा के अंदर भी माइकोराइजल एसोसिएशन को फाइंड आउट किया है। और यहाँ पे जो फंगल का माइसिलिया होते हैं, जो फंगल माइसिलियम है, वो ट्री प्लांट है उसका रूट के साथ में सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो कर रहा है। और यहाँ पे दो प्रकार के सिम्बायोसिस देखने को मिल रहा है, एक एक्टोट्रॉफिक माइकोराइजल एसोसिएशन कहलाता है और दूसरा एंडोट्रॉफिक माइकोराइजल एसोसिएशन। मोस्टली जो जिम्नोस्पर्म में जहाँ पाइनस जो होते हैं, जहाँ हाई एल्टीट्यूड में एसिडिक सॉइल होती है, ऐसी कंडीशन में सफिशियंट न्यूट्रिएंट होने के बावजूद भी प्लांट के रूट हेयर्स के द्वारा वो न्यूट्रिएंट इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं, तो माइकोराइजल एसोसिएशन के थ्रू स्पेशली जो फॉस्फेट्स न्यूट्रिएंट्स हैं उनका अवशोषण है वो रूट हेयर के द्वारा किए जाते हैं, जिससे कि वो सुगमता से पोषक तत्वों को अवशोषित किया जाता है। तो पाइनस के अंदर जो नाइट्रो अपने पाइनस में जो एसोसिएशन पाया जाता है वो एक्टोट्रॉफिक टाइप का होता है, जबकि ऑर्किड्स के अंतर्गत एंजियोस्पर्म में अगर अपन ऑर्किड्स की बात करते हैं, ब्रोमीलियडेसी फैमिली की बात करते हैं या फिर एरिकेसी के मेंबर है, यहाँ पे जो एसोसिएशन होगा वो होस्ट प्लांट की रूट जो है, जो रूट है उस रूट के इंट्रा सेलुलर जो स्पेस है उसके मध्य में प्रवेश करता है कॉर्टेक्स के अंदर, और वहाँ पे एसोसिएशन शो कर रहा है, तो वो एंडोट्रॉफिक माइकोराइजल एसोसिएशन कहलाता है। और इसमें और भी बहुत सारे जो ट्री जो होते हैं उसमें ये देखने को मिलता है। और तीसरा उदाहरण जिसमें अपन नाइट्रोजन फिक्सिंग जो बैक्टीरिया होते हैं, लेग्यूमिनस क्लॉम फेबेसी फैमिली के जो प्लांट है, लेग्यूमिनेसी कुल के पादप है, उसमें मोस्टली उनकी जो रूट हैं उसमें रूट नोड्यूल्स पाए जाते हैं, और रूट नोड्यूल्स के अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है वो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, जिससे पादप को नाइट्रोजन की कमी को पूरा किया जाता है। इसके बदले में पादप के द्वारा जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, जिसमें राइजोबियम है, राइजोबिया है, ब्रेडी राइजोबिया है, बर्क होल्डाई है, ये इस प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, उनको आवास भी मिल रहा है, वहाँ पे शेल्टर भी मिल रहा है रूट नोड्यूल के रूप में, और बदले में उनसे पोषण भी प्राप्त कर रहे हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का उदाहरण अपन लेते हैं। इसके अलावा दूसरे कुछ नॉन लेग्यूमिनस ट्री होते हैं, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है कि नॉन लेग्यूम जो ट्री होते हैं जिसमें भी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जिसमें अल्नस का नाम सुना होगा, अल्नस है, एसर है और मेरिस्टिका है, ये जो कुछ पोडोकार्पस हैं, इन प्रजातियों की रूट के अंदर भी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पाए जाते हैं। एक केजुराइना जो होता है उसकी रूट में एक्टिनोमाइसिटिस नाम के बैक्टीरिया, जिसे फ्रेंकिया कहते हैं, ये फ्रेंकिया भी नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं केजुराइना के रूट के अंतर्गत। तो ये म्यूचुअलिज्म के सर्वोत्तम उदाहरण के रूप में अपन उसको देखते हैं। अब जो अपन बात ओडम की करते हैं, सबसे ज्यादा जो स्टडी किया गया वो ओडम के द्वारा बताए गए इंफेक्शन जो है, इसमें जितने भी प्रकार के पॉसिबल इंफेक्शन है उसको धनात्मक और ऋणात्मक, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव इंफेक्शन में डिवाइड किया गया है। धनात्मक का पार्श्विक क्रिया जो होती है पॉजिटिव इंफेक्शन के अंतर्गत, ये तीन भागों में इसको वापस डिवाइड किया गया है। ये तो ऑल टाइप के इंफेक्शन है जो बर्क ऑर्डर के द्वारा दिए गए, लेकिन इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव को दो भागों में डिवाइड किया ओडम के द्वारा। तो देखिए यहाँ पे धनात्मक पार्श्विक क्रिया जिसमें सहभोजिता सबसे पहला है कमेंसलिज्म, और सहभोजिता के अंतर्गत जो आपके लाइनाज है, लाइना जिसे कटलता कहते हैं, इसमें आप टीनोस्पोरा का उदाहरण दे सकते हो, जो टीनोस्पोरा होता है नीम गिलोय, और ये जैसे ही ट्विस्ट कर रहा है और धीरे धीरे जैसे नीम के ऊपर नीम गिलोय का ट्विस्टिंग हो रहा है, तो नीम से ये नीम के चारों तरफ उसको बेसमेंट के रूप में यूज करते हैं और वो किसी प्रकार से उसको लॉस नहीं पहुँचाते हैं। तो लाइना का उदाहरण टीनोस्पोरा है। इसके अलावा जो एलिफेंट क्रीपर होता है, जिसे अपन ताम्र बेल भी कहते हैं, आर्जीरिया नर्वोसा,
तो आर्जीरिया नर्वोसा भी बेस्ट एग्जांपल है। एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बोहिनिया की स्पीसीज पाई जाती है, बोहिनिया वेलाई, और वो भी काफ़ी लंबाई तक वो ट्विस्ट करती है। तो ये जितनी भी कट लताएं होती है डेजर्ट में भी होती है, इसके उदाहरण आप उसको बढ़िया देख सकते हो। इसके अलावा फिर एपीफाइट्स हैं, जितने भी प्रकार के एपीफाइट्स हैं, स्पेशली जो ऑर्किड्स जितने भी हैं, ऑर्किड्स में आप देखिए जैसे वेंडा ऑर्किड्स हैं, और वो जिस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मोस्टली पाए जाते हैं, और ट्री की बार्क जो है वहाँ पे ये बेस के रूप में पाए जाते हैं। वो दो प्रकार की रूट्स पाई जाती है वहाँ पे, एक तो जो क्रिविसेज जो होती है बार्क के, उसके अंदर जो ये एंकरिंग का कार्य कर रही है उसको क्लिंजिंग रूट्स कहते हैं, और दूसरी रूट्स जो होती है ऑर्किड्स में वो एरियल रूट होती है, हैंगिंग पोजिशन में होती है, और उसमें विलामेंट टिश्यू पाया जाता है, और वो विलामेंट जो टिश्यू होता है वो डेड टिश्यू होता है स्पंजी, और वो जो मॉइस्ट एयर जब पास होती है तो उसको होल्ड करती है और उसको वाटर में कन्वर्ट करती है। तो उसमें आप उसको उदाहरण देते हुए ऑर्किड की रूट को समझा सकते हो। तो ये कमेंशियल रीजन के उदाहरण है। म्यूचुअलिज्म के आपको हमने बता दिए, तीन उदाहरण जो है वो बेस्ट उदाहरण दिए है म्यूचुअलिज्म के। इसके अलावा भी और भी कुछ आप उदाहरण दे सकते हो, जैसे कि एक मिर्मी को फिल्ली होता है, एक मिर्मी को फिल्ली का उदाहरण है मिर्मी को फिल्ली। मिर्मी को फिली का मतलब जो होता है, जो एंट्स होती है चींटियाँ, ये चींटियाँ जो होती है कुछ विशेष प्रकार के पेड़ों के साथ में उसका सिम्बायोसिस पाया जाता है, स्पेशली जो अकेसिया की प्रजातियाँ होती है या आम होता है जामुन है उसके ऊपर ये चींटियाँ पाई जाती है अधिकतर। और अगर अकेसिया की बात करें तो अकेसिया में जो स्टिप्यूल होते हैं वो मोस्टली कुछ प्रजातियों में खोखले होते हैं, और उसके अंदर चींटियाँ जो है वो उसमें शेल्टर के रूप में रहती हैं, और साथ में उनकी जो नेक्टरी होती है जो लिफलेट है उनसे उससे पोषण भी प्राप्त होता है चींटियों को। और उसके बदले में जो चींटियाँ होती है वो उस पेड़ को नुकसान पहुंचाने वाले जो भी प्रीडेटर्स हैं उनसे उनको डिफेंस के रूप में उसका यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार से वो मिर्मी को फिली कहलाते हैं। और इसके अलावा अगर अपन म्यूचुअलिज्म की और बात करते हैं, जिसके अंतर्गत जो डिस्पर्सल होता है, जो सीड और फ्रूट का डिस्पर्सल होता है, तो कुछ आप देखिए कुछ बर्ड्स होती है, कुछ बर्ड्स होती है जो विशेष प्रकार के फ्रूट को खाने के बाद में उनका जो सीड होता है वो उनके डाइजेस्टिव ट्रैक से पास होता है, और उसके बाद उसका जो डॉर्मेंसी होती है सीड की, वो उसके डाइजेस्टिव ट्रैक के पास होने के बाद उसकी डॉर्मेंसी कम होती है उस सीड की, और जल्दी ही वो सीड का जर्मिनेशन होता है। जब तक वो बर्ड्स के डाइजेस्टिव ट्रैक से पास नहीं होता सीड जर्मिनेट नहीं होता। और ये ज़्यादातर जो आपके जैसे कैरियोटा यूरेंस होता है, टोडी पाम होता है, उसमें बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, जो पीपल के पेड़ के ऊपर ही बीज जो जर्मिनेट होता है, और भी फाइकस की प्रजातियाँ अनेकों आपको देखने को मिलेगी। तो ये बर्ड्स के द्वारा जो सीड का जर्मिनेशन जो हो रहा है उसके, इसके अलावा जो फ्रूट्स और सीड जो जिसमें जैंथियम जो होता है, जो एक आधा सीटी सीसी का टोड़ा कहते हैं, जैंथियम है, मार्टिनिया है, और सेंक्रस की प्रजाति बरूट वगैरह है, ये पशुओं के द्वारा उनके जो पशुओं के द्वारा जो उनके हेयर्स हैं उनके द्वारा उनके बीज है वो उनके साथ चिपक जाते हैं और वो उनका डिस्पर्सल होता है। तो ये दोनों का सीड एंड फ्रूट का डिस्पर्सल में और सीड का जर्मिनेशन में इनका इम्पोर्टेंट रोल जो है वो देखा जा सकता है। और प्रोटोकॉपरेशन का मैंने आपको उदाहरण बता दिया है सी एनिमोन हॉर्मिन क्रेप का। तो ये सारी इंटरेक्शन पॉजिटिव इंटरेक्शन कहलाएंगे। ऋणात्मक पारस्परिक क्रियाओं के अंदर देखिए सबसे पहले उसको तीन भागों में डिवाइड किया गया है, सोशल यानी एक्सप्लोइटेशन, एंटीबायोसिस और कंपटीशन। अगर अपन सोशल की बात करते हैं एक्सप्लोइटेशन में, तो यहाँ पे दो प्रकार के इंटरेक्शन है, परजीविता यानी पैरासिटिज्म और परभक्षिता यानी प्रीडेटिज्म। और प्रीडेटिज्म के अंदर जो परभक्षिता जो है ये अपन वहाँ एक्सप्लेन कर दिया है, पर जीविता जो होती है पैरासिटीज में जो होता है यानी एक होस्ट है और दूसरा पैरासाइट है, और यहाँ पे जितने भी होस्ट पैरासाइट की इंट्रैक्शन अपन देखते हैं वो सारे ऑल पैरासाइट डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे टोटल स्टेम पैरासाइट है, टोटल स्टेम पैरासाइट में लोरेंथस है, विस्कम है, इसके बाद में पार्शियल स्टेम पैरासाइट जो है, और टोटल पैरासाइट और पार्शियल टोटल स्टेम पैरासाइट में कस्कुटा होता है। कस्कुटा जो आपको बहुत अच्छा उदाहरण आप दे सकते हो, कस्कुटा रिफ्लेक्स जो अमरबेल कहते हैं, ये टोटल स्टेम पैरासाइट के अंतर्गत आता है। और पार्शियल स्टेम पैरासाइट जो है इसमें लोरेंथस है, विस्कम है, उसको आप उदाहरण सहित दोगे। इसके अलावा टोटल रूट पैरासाइट है जिसमें ओरोबैंकी है,
और रेफ्लेसिया है, मेलानोफोरा है, ये टोटल रूट पैरासाइट है। पार्सल रूट पैरासाइट में सेंट्रलम एल्बम है। सेंट्रलम एल्बम जो चंदन का सेटलिंग होता है वो इस शुरुआती टाइम में आसपास की जो ट्री है उसकी रूट के साथ पैरासाइट के रूप में पाया जाता है। तो ये स्टेम पैरासाइट, रूट पैरासाइट, ये सारे अलग अलग प्रकार के जो पैरासाइट के रूप में देखने को मिल रहा है और परजीविता के रूप में। और फिर आता है परभक्षिता के रूप में। परभक्षिता के रूप में एक जो आपके प्रीडेटिज में जो है, प्रीडेटिज में जिसे अपन कहते हैं, और उसमें ये प्रीडेशन, प्रीडेशन जो कहते हैं, तो इसमें एक आपके दो प्रकार का जो है वो प्रे और प्रीडेटर का रिलेशनशिप जो देखने को मिल रहा है। इसमें प्रीडेटिज में प्राणियों और पादपों दोनों में ये इंटरेक्शन आपको देखने को मिल रहा है। जैसे टाइगर है वो किसी हिरण का शिकार कर रहे हैं, तो टाइगर जो है वो उसका प्रीडेटर है और हिरण है वो प्रे है। बाज है वो चूहे को मारा है, तो बाज प्रीडेटर है और चूहा है वो प्रे है। इसी प्रकार से अगर अपन पादपों में उदाहरण देख रहे हैं, तो पादपों के अंदर जितने भी कीट भक्षी पादप हो रहे हैं, कीट भक्षी इंसेक्टिवोरस प्लांट का आपने उदाहरण सुना, जो दलदली पादपों के नाम से जाने जाते हैं, और उनके अंदर विशेष प्रकार के ग्लैंडुलर हेयर्स होते हैं जिससे पॉइजन ग्लैंड्स होती है, और वो इंसेक्ट को ट्रैपिंग मैकेनिज्म पाया जाता है जिसके द्वारा उनको ट्रैप किया जाता है, और प्रोटोलिटिक एंजाइम के द्वारा उसका पाचन करके वापस उसको फेंक दिया जाता है। तो उसमें अगर अपन जो निपेंथिस की बात करते हैं, घटपर्णी पादप निपेंथिस होता है। इसके अलावा आपके ड्रोसेरा है, एल्ड्रोवेंडा है, पिंग्विकुला है, और डायोनिया है, वीनस फ्लाई ट्रैप कहते हैं। तो ये अनेकों प्रकार के पादप जो है वो कीट भक्षी पादपों को उदाहरण के द्वारा उसको समझाया जा सकता है। एंटीबायोसिस प्रतिजीविता, इसमें एंटीबायोसिस के अंदर एक माइक्रोबियल पॉपुलेशन के द्वारा जो टॉक्सिक इफेक्ट हो रहा है उनका दूसरे जीवों के ऊपर, पादप या जंतुओं पे जो प्रभाव होता है वो एंटीबायोसिस कहलाता है। और उसमें एक बहुत ही अच्छा उदाहरण अपन देखने को मिल रहा है कि एक साइनोफाइसिन सेवाल होता है जिसे माइक्रोसिस्टिस कहते हैं। जब किसी जलाशय में माइक्रोसिस्टिस की पॉपुलेशन बढ़ जाती है, तो उनके द्वारा जब ऑर्गेनिक मैटर का एक्युमुलेशन ज़्यादा होता है, यूट्रोफिकेशन बढ़ जाता है, तो वहाँ माइक्रोसिस्टिस की पॉपुलेशन बढ़ जाती है, और माइक्रोसिस्टिस के द्वारा विशेष प्रकार के जो टॉक्सिन होता है जिसको हाइड्रोक्सिल एमीन कहते हैं, ये हाइड्रोक्सिल एमीन टॉक्सिन जो होते हैं वो फिश वगैरह है उनकी डेथ का कारण बन जाती है। तो ये एंटीबायोसिस कहलाती है। इसके बाद में फिर आता है कॉम्प्लिकेशन की बात है, प्रतिस्पर्धा। एक एंटीबायोसिस के अंतर्गत देखिए एलिलोपैथी इफेक्ट और होता है। एलिलोपैथी के अंतर्गत अपन देखते हैं कि एक पादप का वो टॉक्सिक इफेक्ट जो उसके सराउंडिंग में ग्रो कर रहे दूसरे पादपों को हानि पहुंचाते हैं या उसकी ग्रोथ को रिटार्ड करते हैं, उसके सीड जर्मिनेशन को प्रभावित करते हैं, उसे एलिलोपैथी कहते हैं। और आपको पता होगा कि जो अपने अरावली रीजन के अंदर लेंटाना कैमारा जो होता है, एक लेंटानिया पादप हो रहा है, उसका बहुत ज़्यादा प्रकोप बढ़ गया है, और इनके एलिलोपैथिक इफेक्ट से आसपास के अरावली के अंदर दूसरे जो लाभकारी या मेडिसिनल प्लांट है उसकी ग्रोथ है वो रोक दी गई है, और ये एलिलोपैथिक इफेक्ट कहलाता है। इसी प्रकार गाजर घास होता है, पार्थेनियम, ये भी जहाँ ग्रो कर रहा है वहाँ भी आसपास दूसरे फसलों पैदा अपने पादपों का वृद्धि को ये रोक देता है। तो पार्थेनियम हो या किसी